अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अपने ड्राइंग रूम से सफाइयाँ शुरू कर रही हूँ, तो ये मैंने सोफे पे चादरें डाल दी हैं ताकि मैं जाला उतार सकूँ। ये पंखे, ये सब बहुत गंदे हो रहे थे, तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारी सफाई। तो सबसे पहले मैं ये इस तरह अलमारी के बर्तन भी निकाल लूँगी। ये डाइनिंग एरिया है तो इसकी भी सफाई करेंगे, सारे बर्तन निकाल के इनको साफ़ करके तो मैं फिर से रखूँगी। एक एक दिन बस एक एक रूम की सफाई होती रहेगी। एक दिन मैंने इसकी वॉशिंग का काम किया था, जो कालीन और पर्दे वगैरह धोने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने धो ली थी, और जो बाकी सब था तो वो भी फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से सारे काम किए हैं। और जी, अगर तो आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ओल्ड हैं तो वीडियो को कीजिएगा पूरा वॉच। और इस तरह से बहुत से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम किस तरह से, मुझे तो बहुत सारे मिल जाते हैं लोगों की वीडियो देखने से, तो कि मैं कैसे काम शुरू करूं। ये सारी, ये इसकी कैबिनेट वगैरह ये भी साफ़ करेंगे। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैंने रखी हुई हैं अपने पार्लर की, क्योंकि वहाँ पे ज़रा गर्मी होती है जहाँ पे काम कर, लेकिन आज मैं ये सारी निकाल लूँगी, ये सारी सफाई करूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी ने अपने कपड़े वगैरह रख छोड़े थे, तो वो हॉस्टल में होती हैं, लेकिन ये भी मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें, ये सारा बहुत बिखरा हुआ है, सारा मैस हुआ पड़ा है, तो ये सारा मैं साफ़ कर लूँगी यहाँ से। ये सारे जैसे गिफ्ट होते हैं बच्चों के, तो इस तरह की चीज़ें ये सारी इधर कैबिनेट में पड़ी हुई थी, तो ये सारी मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पे बॉक्सेस हैं जो बच्चों को मैं खाना बना के भेजती हूँ कराची, तो ये वो वाले हैं, लेकिन ये यहीं पे रखेंगे। ये शॉपर्स और ड्रेसेस के जैसे बैग होते हैं, तो ये वो वाले हैं, ये भी लेकिन मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ। बस इस तरह से फिर से ही सफाई नहीं होती है, तो मैं ये सारा वो कर लूँगी। इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के तो पंखे ये साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले जाला उतारेंगे, फिर पंखे साफ़ करेंगे, फिर बर्तन, तो इस तरह से शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह जब सारी सफ़ाई हो जाएगी फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई इस तरह से जब मैंने सफ़ाई की थी, कोई इतना इसमें मैस था कि पूरे 3 घंटे लगे थे मुझे, पूरे 3 घंटे लगा के मैंने सफ़ाई की थी। बाहर से कालीन उठा लिए थे मैंने जो वॉश किए थे, ये बेडरूम्स के रग्स, सबसे पहले मैं इनको इकट्ठा करके लपेट के तो इनको रख लूँगी साइड पे, ताकि ये फिर से गंदे ना हो जाए डस्ट की वजह से, तो इनको साइड पे रख लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा रक्स था रूम से, बेडरूम से, तो इसको फिर मैं यहीं ड्राइंग रूम में कोशिश करूँगी, इसको टेबल के नीचे बिछा दूँगी, खूबसूरत लगता है। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको एक साइड पे रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने उतार लिए थे जाले, सोफों पे चादरें डाल ली थी ताकि मैं जाले उतारूँ तो वो गंदे ना हो। उन्हें को क्या नज़र ना पे साफ गंदा। ऐसे जब हम एक एक रूम की सफाई करते हैं तो ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है, रोज़े की वजह से तो रोज़ा भी होता है, फिर इस तरह से वो जो हेल्पर है तो वो भी ज़्यादा नहीं थकती है। लेकिन आज मैं उसको साथ में दिखा भी रही थी कि देखिए अगर हम 2-3 महीने कोई तवज्जो नहीं देते हैं तो आप लोग इतना उसको गंदा कर देते हो। ये फिर मैं साफ़ कर रही थी बर्तनों वाली अलमारी, मैंने बर्तन निकाल लिए थे वहाँ से, तो इस तरह गीले कपड़े से पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह कपड़े से साफ़ करके तो फिर मैं ये साथ में फिर रखती भी जा रही हूँ। इसका भी पहले मैंने जाला उतारा है डाइनिंग रूम का, तो ऊपर अलमारी के ऊपर मैंने कुरान पाक रखे हुए हैं, वो भी मैंने बिल्कुल ठीक करके, तो उनके गलाफ भी धो लिए थे वो भी बिल्कुल सही करके मैंने फिर दोबारा से रखे हैं। ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके इस तरह से फिर मैंने इनको कपड़े से साफ़ किया था, फिर सारे मैंने ऐसे लगा दिए थे।
वैसे जो कल इतनी सफाई की वजह से मैं थक गई थी, तो मैंने यही सोचा कि अब हर महीने मैं ये बर्तन और इस तरह की जो होती हैं ज़्यादा वाली सफाई, तो मैं अब हर महीने किया करूँगी। ऐसे मैं इसको 2-3 महीने के लिए नहीं छोड़ूंगी, फिर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो टाइम फिर ज़्यादा लगता है। जी अब ये मेरे जो स्टोर है, स्टोर के ऊपर जो छत है तो उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो मैंने आज लड़की को वहाँ पे कहा है कि तुम झाड़ू भी लगा लो और जाली भी उतार लो, क्योंकि वही मिट्टी फिर नीचे गिरती रहती है और फिर नीचे सारी चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं। तो मैंने कोई 3-4 दफ़ा वहाँ से झाड़ू लगवाया था, इतनी मिट्टी पता नहीं आ कहाँ से जाती है, समझ नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को निकाल के साइड पे रख के तो ये साफ़ कर ली थी। दराज जो पहले मैंने आपको दिखाई थी, जो चीज़ें थी रखने वाली वो मैंने रखी हैं, बाकी मैंने फिर यहाँ से सारी ये चीज़ें निकाल के उनको उनकी जगह पे जाके रखा है और यहाँ से सारी सफाई कर ली है। ये सारे मैंने खाली कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टिशू वगैरह रख लिए हैं क्योंकि वो ड्राइंग रूम में काम आते हैं, तो वो यहीं की चीज़ें थी। जो बाकी यहाँ से हमने दूसरे रूम्स की चीज़ें रखी हुई थी वो फिर मैंने वहाँ पर जाके रख ली थी। ये फ्लावर्स हैं तो बहुत ख़राब हुए पड़े, लेकिन इनको वॉश करूँगी। और ये सोफ़ों से चादर उतार के तो मैं इनको भी झाड़ लूँगी, जाले क्योंकि उतार चुकी थी मैं, फिर इनको अच्छे से झाड़ के साफ करके तो फिर इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे। मैं आप लोगों के साथ अब डेली एक एक रूम की सफाई शेयर करती रहूँगी। मैंने शुरू किया है ड्राइंग रूम से, इसके बाद फिर मैं करूँगी किचन, तो किचन के बाद फिर हम आएंगे बेडरूम पे, लेकिन साथ में मैं उसके पर्दे वगैरह धोती रहूँगी, तो वो शायद मैं शेयर ना कर सकूँ आप लोगों के साथ। ये अलमारी जो हमारी ये बनी हुई है ड्राइंग रूम में, जहाँ पे LCD वगैरह लगी हुई है कॉर्नर पर, उसके ऊपर का जो हिस्सा है तो वहाँ का ये मतलब वहाँ की मिट्टी है, डस्ट है, तो वो भी हम साफ़ कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने कहा कि सफाई कर लेते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। मेरी हेल्पर वहाँ से ऊपर से उसने सारी सफाई कर ली थी, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी बहुत। कोई तीन मैं आपसे वही बता रही हूँ कि 3 घंटे हमें पूरे लगे थे, तो अभी भी लग रहा था कि हमें थोड़ी सी और मतलब कि बारीकी से करनी चाहिए थी, लेकिन 3 घंटे लगे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी सफाइयाँ, क्योंकि हम 3 लोग ही लगे हुए थे यहाँ पे, तो सारी जब डस्टिंग वगैरह झाड़ लिए सोफ़े और मतलब कुछ साफ़ करके, तो फिर यहाँ से लगा दिया था झाड़ू। इस तरह से मैं खिड़कियाँ और शीशे वगैरह साफ़ कर रही थी, तो वो मेरी हेल्पर झाड़ू लगा रही थी। तो जब तक हम खुद ना साथ काम करें तो इस तरह साफ़ होता ही नहीं है, सफाइयाँ ठीक से नहीं होती, क्योंकि वो भी बच्चियाँ हैं, तो फिर ज़ाहिर जिस तरह से अपने घर को बंदा खुद साफ़ करता है। अब तो मेरा तो यही इरादा है कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं ये सफाई वाले काम इंशाल्लाह ज़रूर किया करूँगी। तो खिड़कियाँ शीशे वगैरह साफ़ कर लिए थे, फिर वहाँ से आप लगा रहे थे पोछे जोर से बाद फिर कालीन बिछा लेंगे। हाँ ऐसे ये आज एक ही रूम की सफाई हो रही थी, बाकी तो किए तो थे साफ। ये 2 मेरी हेल्पर थी और एक मैं थी, तो हम 3 लोग ही लगे थे। ये कालीन भी बिछा लिया था हम लोगों ने, जो मैंने उस दिन वॉश किए थे आप लोगों के साथ शेयर किए थे, फिर ये सोफ़े भी रख लिए थे। ये सारा काम हम 3 लोग ही कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर डस्टिंग भी कोई 3 मरतबा की थी हम लोगों ने, 2 दफ़ा उन बच्चियों ने की और 3री दफ़ा फिर मैंने खुद की थी, तो कोई 3 दफ़ा हम लोगों ने डस्टिंग की थी यहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी थी, हालांकि डेली सफाई होती है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। फिर लास्ट में जब सारी मिट्टी वाला काम ख़त्म हो गया था तो फिर हमने लगा दिए थे पर्दे, कर्टन भी लगा दिए थे, फिर उसके बाद सारे धो लिए थे। कोई तकरीबन इसमें 4 खिड़कियाँ हैं, तो सबके मतलब पर्दे धो के फिर वो लगा दिए थे हम लोगों ने। अब फिर मैं खुद कर रही थी डस्टिंग 3री मरतबा, तो ये डाइनिंग रूम के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे के एरिया की मैं कर रही थी डस्टिंग, वहाँ की तो वैसे हमेशा मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि वो भूल जाती है नादिया।
इस एरिया की भी मैंने कोई 3 दफ़ा टेस्टिंग की थी। साथ में अगर कोई वॉशरूम हो, किचन हो, तो पता नहीं उसकी पाइप अंदर से लीक होते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, तो फिर इस तरह से वो जो पेंट होता है दीवारों का वो उतरता रहता है। ये साथ में वाशरूम है, वाशरूम भी बहुत अच्छे से धोया था हम लोगों ने, उस पर भी कोई 1-2 घंटे लगा के धोए थे, क्योंकि मैंने उसके तेज़ाब और मतलब हार्पिक वगैरह डाल दिए थे। फिर जब वो 1/2 घंटा गुजर चुका था तो वो उसको फिर मैंने साफ़ किया था। मैं आपको बताऊँगी कि वाशरूम की टाइलों को हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्या मतलब इस्तेमाल करके, तो वो बहुत अच्छे से चमक जाती हैं। जब भी बर्तन साफ़ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही टूटता है। आज भी मेरी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत सी एक चाय की प्याली टूट गई थी। और यहाँ से जी डाइनिंग एरिया की मैं कर रही थी, कोई 3री मरतबा डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो अब मैं मतलब जो आखिर वाली डस्टिंग होती है अब मैं वो कर रही थी इस फर्नीचर स्प्रे के साथ ये डाल के, तो फिर मैं इससे कर रही थी, तो इससे बहुत अच्छी फिर डस्टिंग हो जाती है, बिल्कुल चमक जाते हैं फर्नीचर। एंड हुआ पड़ा था, फिर इसको भी लेना है मैंने, तो फिर एक दफ़ा फिर करूँगी मैं। देखें जी, ये कर ली थी हम लोगों ने, ये डाइनिंग एरिया है, इसकी सफाई आप चेक कर लें, बहुत अच्छे से हो गई थी। ये देखें, आप चेक करें, आप इसकी मतलब फर्नीचर की चमक और सफाई चेक करें, तो कोई लगता ही नहीं था कि मतलब कि ऐसे साफ़ होगा। इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। जब हम खुद काम करते हैं तो वो फिर जब खुद इनके साथ सफाइयाँ करवाते हैं तो वो फिर इस तरह से बहुत अच्छे से सफाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे से की बनाई हुई होती है, एडिटिंग करके आप लोगों के पास सिर्फ 12 मिनट की आती है, लेकिन इस पर बहुत मेहनत होती है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सारी ड्राइंग रूम की सफाई हो गई थी। अब मैं इसको बस डेली की डेली मैं खुद किया करूँगी, ताकि फिर से इतना गंदा ये ना हो। ये फाइनल लुक है इसकी सफाई की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वॉचिंग के लिए।